A very good morning, dear students. Today I will explain a new poem of 6th class, that is the Banyan Tree. This poem is written by Rabindranath Tagore, and when Rabindranath Tagore was born, he was born in 7th May 1861, and when Rabindranath Tagore was died, he was died in 7th August 1941. Okay, and now students, we will revise all hard words of this poem. First is forgotten. It means out of mind. It means out of mind. It means किसी चीज को भूल जाना. Second is remember. Remember it means रिकॉल. इट मीन्स किसी चीज को याद करना. एंड थर्ड इज प्लंग. प्लंग इट मीन्स जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली. किसी चीज पर जंप करना, डाइव करना बहुत ही एनर्जी के साथ में, दैट इज कॉल्ड प्लंग. एंड फोर्थ इज रिंगल. रिंगल इट मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न, लाइक वाइब्रेट होना किसी चीज का. एंड फिफ्थ इज रिपल्स. रिपल्स इट मीन्स वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. वाटर के ऊपर वेव का बनना, दैट इज कॉल्ड रिपल्स. एंड सिक्स्थ इज लॉन्ग्ड. इट मीन्स हैव अ स्ट्रांग विश और डिजायर. किसी चीज के प्रति अपनी स्ट्रांग डिजायर और विश का होना, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग. एंड सेवेंथ इज पर्च. पर्च इट मीन्स रेस्टिंग प्लेस, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ पर रेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्च. ओके, सो दीज आर हार्ड वर्ड्स ऑफ poem the Banyan Tree. Okay, now students, you all will open your English literature book. The poem is the Banyan Tree, page number 62. Now I will give the brief introduction of Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट इंडियन पॉइट. जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक बहुत ही ग्रेट इंडियन पॉइट थे. ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. उन्होंने नोबल प्राइज़ मिला था उनको लिटरेचर में 1913 में, फॉर गीतांजलि. जो गीतांजलि उन्होंने लिखी थी उसके लिए 1913 में उनको नोबल प्राइज़ मिला था, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज पोम. और उनकी जितनी भी पोएम्स थी उन सबका वो कलेक्शन था गीतांजलि. ही रोड जनमन गण. उन्होंने जनगण भी लिखा, विच वॉज अडॉप्टेड एज इंडियन नेशनल एंथम, जिसको हमने एक नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया. दिस पॉम इज अबाउट अ पर्सन. ये जो पॉम है एक ऐसे पर्सन के लिए है, पर्सन के बारे में है, हु इज रिलीविंग फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. जो अपनी मेमोरीज को रिवेलिंग, इट मीन्स पुनः से वापस से जीना, लाइव करना, अपनी मेमोरीज को याद करना, रिकॉल करना, और उसमें अपने आप को मतलब लाइव करना, उसके बारे में ये पॉम है. एंड इन दिस पॉम अ चाइल्ड्स लव फॉर बेनियन ट्री इज टोल्ड इन दिस स्टोरी. एंड जो एक बच्चा है उसका नेचर के प्रति जो प्यार होता है उसको बताया गया स्टोरी में. एंड अ चाइल्ड टॉक्स लॉर्ड्स फ्रॉम बेनियन ट्री. और एक जो बच्चा होता है वो एक बनियान, जो बनियान ट्री होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उससे किस तरह से वो बहुत सारी बातें करता है, वो सब कुछ इस पोम में बताया गया है. नाउ आई विल रीड दिस पोम. ओ यू शेगी हेडेड बनियान ट्री, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पोंड, हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड, लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट यू. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो जो ट्री है उसको क्या बोल रहे हैं, ओ यू शेगी हेडेड बेनियन ट्री. क्या बेनियन ट्री को क्या बोल रहे हैं, शेगी हेडेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेगी हेडेड. इट मीन्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर लॉन्ग, थिक एंड अनकैप्ड, गिविंग इट एन अनटाइडी अपीयरेंस. जो बेनियन ट्री है उस वो क्या है, थोड़ा मोटा है, लंबा है, और कैसा है, वो थोड़ा सा थिक है, इस वजह से वो अपनी बहुत ही अगली अपीरियंस दे रहा है. और ये जो बेनियन ट्री है वो पोंड जो होता है उसके किनारे पर खड़ा हुआ है. तो यहाँ पॉइंट क्या कहते हैं कि ओ शेगी ट्री, तुम कब से इस पोंड के किनारे पर खड़े हुए हो, हैव यू फॉरगेटन द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम बच्चों को भूल गए हो जो यहाँ पर तुम्हारे पेड़ के नीचे आकर खेला करते थे. एंड लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेज एंड लेफ्ट यू, और क्या उन बर्ड्स को भी भूल गए जो तुम्हारी यहाँ ब्रांचेज पर आकर के अपने नेक्स्ट घोंसला बनाया करते थे, क्या तुम सबको भूल गए हो, वो सब तुम्हें यहाँ से छोड़कर चले गए हैं. ये पॉइंट उस बनियान ट्री से बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं. डू यू नॉट,
डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सेट एट द विंडो एंड वंडर्ड एट द टेंगल ऑफ योर रूट्स एंड प्लंग अंडरग्राउंड. इन द स्टेंजा पॉइट इज टेलिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड. ही इज टेलिंग हेयर, यहाँ पर अपने चाइल्डहुड के बारे में पॉइट बता रहे हैं कि किस तरीके से वो क्या किया करते थे. वो सारी चीज़ें बेनियान ट्री को बता रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं, डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सेट एट द विंडो, क्या तुम्हें याद नहीं है किस तरीके से एक वो छोटा बच्चा, यानी पॉइंट अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो किस तरीके से क्या करते थे. तो वो क्या बता रहे हैं पॉइंट कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक छोटा बच्चा अपने घर की जो विंडो है वहाँ पर बैठ करके किस तरीके से तुम्हें देखा करता था, किस तरह से तुम्हारे ऊपर वंडर किया करता था, एट द टेंगल ऑफ योर रूट्स, किस तरीके से तुम्हारी जो ब्रांचेस हैं वो जो उलझी हुई सी ब्रांचेस हैं और जो रूट्स हैं जो झूलती हुई सी ग्राउंड को टच कर रही करती थी, उन सबको वो देखा करता था. तो यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में कि अपने घर की विंडो में बैठ जाते थे और वहाँ से वो जो बेनियन ट्री था उनके घर के बाहर की साइड विंडो में से दिखाई देता था. तो वो जो बेनियन ट्री है उसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत ही मोटी थी और बहुत ही उलझी हुई सी थी और वो ज़मीन पर मतलब उसकी जो रूट्स थी वो उलझी हुई सी और ज़मीन को टच करती हुई सी थी और वो अपना जो रास्ता था वो इस तरीके से वो बना लेती थी कौन रूट्स वो उनको देखा करता था. द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार इन द पॉन्ड एंड यू यूज ब्लैक शेडो वुड रिंगल ऑन द वाटर लाइक शिप स्ट्रगलिंग टू वेक अप. इन दिस स्टेंजा एक्चुअली यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं. ओके नाउ आई विल गिव द एग्जांपल. हैव यू एवर थ्रोन द पेबल्स इन द वाटर, क्या कभी आपने कोई पेबल्स या पत्थर कोई पॉन्ड के अंदर फेंका है, वाटर में फेंका है? अगर फेंकते हो तो आप क्या देखते हो कि जो जैसे हमने किसी स्टोन को थ्रो किया, पेबल्स को थ्रो किया उस पॉन्ड में वाटर में, तो वहाँ पर वेव्स सी बनने लगती है, एक सर्कल सा बनने लगता है और जो पानी है उसमें थोड़ी सी वाइब्रेट सी होने लगती है. तो इस तरीके से वहाँ का जो सीन है इस तरीके से होता है. तो इन दिस स्टेंजा द पॉइंट इज टेलिंग हेयर द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार इन द पॉन्ड. यहाँ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पर औरतें अपना जार, अपना जो पोट है पानी भरने का, जब वो यहाँ पर ले पानी लेने आया करती थी और इस पॉन्ड में जब अपने पोट को डाला करती थी तो क्या होता था, एंड योर ह्यूज ब्लैक शेडो वुड रिंगल ऑन द वॉटर, जो तुम्हारी जो शेडो होती थी बेनियन ट्री की जो परछाई जो उस पॉन्ड में पड़ा करती थी, तो जैसे ही वो लेडीज़ जो होती थी, औरतें जो होती थी अपने पोट को पानी में डालती थी तो वो जो शेडो होती थी वो उससे गायब हो जाती थी. इट मीन्स जब किसी चीज़ की शेडो आपके वाटर में गिर रही और आप उसमें जैसे ही कुछ डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपेयर हो जाएगी वो शेडो. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि आपकी जो बड़ी सारी ब्लैक शेडो हुआ करती थी वो भी वहाँ से गायब हो जाती थी जब लेडीज़ अपने पॉट को पानी लेने के लिए उस पॉन्ड में डालती थी, लाइक स्लिप स्ट्रगलिंग टू वेव अप. और यहाँ पर पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि जब उस वेव जो बनती थी तो वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई गहरी नींद में सो रहा हो और उसको बड़ी स्ट्रगल करके उसको जगाने की कोशिश किया जा रहा हो. इट मीन्स जब पानी का पॉट जैसे उसमें जाता था तो वो एकदम से वाइब्रेट होने लगती थी, सारी जो वेव्स होती थी, तो ऐसा लगता था जैसे किसी को नींद से उठाया जा रहा हो. ओके नेक्स्ट स्ट्रेंजर, सनलाइट डांस्ड ऑन द रिपल्स लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शटल, इट मीन्स टूल्स दैट आर पार्ट ऑफ अ रिवर लूम्स. ओके सो पॉइंट ही इज़ टेलिंग दैट जो सनलाइट होती है, जो सूरज की जो रोशनी होती है, जब उस रिपल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपल्स, इट मीन्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सरफेस पे जो वेव बनती थी वो क्या करने लगती थी, जब सन की जो लाइट उस वेव पर पड़ती थी तो इस तरीके से शाइन करती थी जैसे कि जो वूवर्स होते हैं, जो वीवर्स जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं उनका कोई टूल वहाँ पर हो और क्या हो वहाँ पर टूल,
एंड वेविंग गोल्डन टेपेस्ट्री. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेपेस्ट्री? इट मीन्स अ पीस ऑफ क्लोथ विथ पैटर्न और डिज़ाइन दैट आर वूवन ऑल सून ऑन टू इट यूजिंग कलरफुल थ्रेड. ऐसा लगता था जब वो सनलाइट्स उस वेव पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कोई वेवर जो होते हैं उनका कोई टूल वहाँ पड़ा हुआ हो और वहाँ पर उस पर कोई गोल्डन वर्क किया गया हो उसके ऊपर. इस तरीके की वो वेव्स शाइन करती थी. तो यहाँ पर पोइट उसी के बारे में बता रहे हैं. एंड नेक्स्ट स्टेंजा, टू डक स्वैम बाय द वीडी मार्जिन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिन? इट मीन्स बॉर्डर. टू डक स्वैम बाय द वीडी मार्जिन अबव देयर शेडोज एंड द चाइल्ड वुड सिट स्टिल इन थिंग. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जो वो बेनियान ट्री है उसका जो जो घास फूस का जो एरिया नहीं होता है वहाँ पर पोंड के किनारे पर थोड़ी घास वास लगी रहती है, ओवीडी जो एरिया होता है, तो वहाँ पर वो जो दो स्वयं जो डक हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं. और वो जो पॉइंट है, अपने जो लड़का है वो जो पॉइंट, वो वहाँ पर उनके साथ ही बैठे हुए हैं और अभी भी वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, बेनियन ट्री के बारे में. नेक्स्ट स्टेंजा, ही लॉन्ग टू बी द विंड एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेस टू बी योर शेडो एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर टू बी अ बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट ट्री एंड टू फ्लोट लाइक दोज डक्स अमंग द विड्स एंड शेडोज. अब जो पॉइंट है वो अब वहाँ पर बैठे हुए हैं, डक वहाँ पर स्विम कर रहे हैं और वो जो पॉइंट है वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, बेनियन ट्री के बारे में. और वो क्या सोच रहे हैं कि ही लॉन्ग टू बी द विंड. अब यहाँ पर पॉइंट क्या सोच रहे हैं कि वो हवा बनना चाह रहे हैं. वो चाहते हैं पॉइंट कि मैं हवा बनूँ एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेस, और जो तुम्हारी जो उलझी हुई सी जो ब्रांचेस है उन ब्रांचों के बीच में से मैं गुजरूँ. इस तरीके की उनकी डिज़ायर है. किसकी? जो पॉइंट हैं वो ये सोच रहे हैं अपने बचपन के बता रहे हैं ना कि मैं जो है हवा बनूँ और वो जो तुम्हारी ब्रांचेस है उन ब्रांचेस के बीच में से गुजरूं. टू बी योर शेडो एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर, और वाटर में जो तुम्हारी जो शेडो पड़ती है उस शेडो को मैं और लेंथन यानी और लंबी करूं, ठीक है, और बढ़ाऊं. टू बी अ बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉपमोस्ट ट्री, और जो तुम्हारी जो ब्रांचेस है उसकी सबसे ऊंची जो टहनी है वहाँ जा कर के मैं अपना नेस्ट बनाऊँ. इस तरह की उनकी डिज़ायर है पॉइंट की. एंड टू फ्लॉट लाइक दोज डक अमंग द वीड्स एंड शेडो, और जो वो दो डक हैं, जो दो हंसों के जोड़े हैं, जिस तरीके से वो पोंड में तैर रहे हैं, तुम्हारी जो शेडो है और जो वहाँ पर जो घास फूस वाला जो एरिया है वहाँ पर जिस तरीके से वो तैर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी तैरना चाहता हूँ. इट मीन्स जो पॉइंट है वो क्या बनना चाहते हैं, वो हवा बनना चाहते हैं ताकि जो बेनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, उसके बीच में से, उसकी टहनियों के बीच में से, उसके ब्रांचेस के बीच में से गुजरे. प्लस वो ये भी चाहते हैं कि वो बर्ड्स बने ताकि वो तुम्हारी जो बरगद का जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची जो हाईएस्ट जो ट्विग है वहाँ पर बैठ कर के वो अपना घोंसला बनाए. और वो क्या चाहते हैं कि वो हंस बने ताकि जो तुम्हारी जो पेड़ की जो शेडो है उसके बीच में वो क्या करें, वहाँ पर स्विमिंग करें. तो इस तरीके से अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है पॉइंट ने, ठीक है. सो इस स्टोरी में क्या बताया, इस पोम में क्या बताया गया है कि जो पॉइंट है वो एक नेचर की जो ब्यूटी है उसको बताते हैं, और पॉइंट ये चाहते हैं कि किस तरीके से वो एक पर्सन के रूप में क्या क्या बनना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं. सो इस पोम में क्या है, सबसे पहले तो क्या बनना चाहते हैं, हवा बनना चाहते हैं. सेकंड, वो बर्ड बनना चाहते हैं ताकि वो उसमें नेस्ट बना सके, और वो डक बन करके वो उस शेडो में वो स्विमिंग करना चाहते हैं जो जो बेनियन ट्री है उसकी बन रही है, ठीक है. सो ये पूरी स्टोरी जो पूरी पोम है किस बारे में है, वो एक नेचर की जो ब्यूटी है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. सो आई होप स्टूडेंट्स इंजॉय लॉट्स एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पोम, एंड नाउ यू विल रिवाइज ऑल हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड यू विल लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे.